लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार करने वाले फायरब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू को जगह नहीं दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दो हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। इस लिस्ट में कभी स्टार कैंपेनर रहे नवजोत सिंह सिद्धू का नाम गायब है, जो बताता है कि पार्टी को फिलहाल सिद्धू पर भरोसा नहीं है कि वो पार्टी के वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रचारकों की लिस्ट में शामिल ना किए जाने से उनके समर्थकों में भी खासी नाराजगी फैल गई है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में खबर तैर रही है कि सिद्धू जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर किसी नई सियासी नाव की सवारी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये नई पार्टी कौन सी होगी जिसमें सिद्धू ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? अब सिद्धू की नई सियासी पारी की शुरुआत के कयास रोज नए मोड़ ले रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस में सिद्धू के दिन पूरे हो चुके हैं और सिद्धू की राजनीतिक करियर भी अवसान पर पहुंच चुकी है। सिद्धू कभी भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग हो सकते हैं। उनके बीजेपी में दोबारा जाने की संभावनाएं हालांकि कम दिख रही हैं, फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू दोबारा अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर सिद्धू कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो वो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं, जैसा कि सिद्धू पहले भी कोशिश कर चुके हैं, या फिर सिद्धू एक बार फिर आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट में जाने की कवायद शुरू कर सकते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रवाद के खिलाफ बनी सिद्धू की छवि को देखते हुए उन्हें पार्टी में शामिल करने का विचार करेंगे। ऐसे में सिद्धू के पास एक ही चारा बचा है कि वो क्रिकेट कमेंट्री और कॉमेडी शोज में वापस लौट जाएं। अब आश्चर्य नहीं होगा कि अगर सिद्धू किसी क्रिकेट सीरीज के दौरान बतौर कमेंटेटर सामने नजर आए अथवा किसी कॉमेडी शो को जज करते हुए दिखाई दें। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।